देखिए फोर्टीन क्वेश्चन देखिए ये आरडी का एग्जाम्पल ट्वेंटी टू का फर्स्ट पार्ट है वन प्लस वन पॉइंट वन वन प्लस वन पॉइंट टू अपू वन प्लस वन पॉन एन इज इक्ल टू एन प्लस वन वैसे पीछे वाले की तरह है स्टेप वन में क्या करना है ये आप रट गया होगा आपको स्टेप वन में क्या करना है फॉर एन इज इक्वल टू वन तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी वन रखोगे तो ये टू आएगी ना वन प्लस वन टू आ जाएगी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी एन को वन रखो तो वन प्लस वन टू आ जाएगी तो आप क्या लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन समझ में आ गई बात ठीक है लैंग्वेज आपने आप लिखेंगे लेकिन लिखेंगे स्टेप टू में क्या करेंगे फॉर एन इजिकल टू के हम मान लेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू के लिए सही है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है तो ये क्या आएगा वन प्लस वन अपान वन वन प्लस वन अपान टू अप टू वन प्लस वन अपान के इज इक्वल टू के प्लस वन आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर टू आ गया स्टेप थ्री में क्या करना है स्टेप थ्री में करना है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन क्या तरीका बताया हमने कि हम इसका जो एल एच एस ले लेंगे एन को के प्लस वन लेंगे इक्वेशन क्वेश्चन टू का इस्तेमाल करेंगे आर एच एस में अपने आप एन बराबर के प्लस वन आ जाना चाहिए ठीक है तो टेकिंग एल एच एस टेकिंग एल एच एस ऑफ इक्वेशन टू वन सॉरी लोह क्या आएगा वन प्लस वन अपान वन वन प्लस वन अपान टू लास्ट में क्या आएगा वन प्लस वन अपान के प्लस वन अब इसके पहले स्टेप क्या आएगा प्लस नहीं है सॉरी ब्रैकेट है वन प्लस वन अपान के आएगा ना अब देखो यहां से यहां तक देखिए यहां से लेकर के यहां तक ब्रैकेट देखिए ये पूरा यही लिखा है ना तो इसको यूज कर दो यूजिंग इक्वेशन टू तो इसकी क्या, क्या लिखेंगे के प्लस वन और यहां पहले से क्या लिखा है वन प्लस वन अपान के प्लस वन बस इसको सॉल्व कर लो ये क्या आना चाहिए जरा राइट हैंड साइड में आप एन को के प्लस वन रख के देखो क्या आता है के प्लस वन लिखोगे तो के प्लस वन प्लस वन आएगा ना बस एल्सियम ले लो यहां पर के प्लस यहां लोग एल्सियम एल्सियम क्या होगा तो यहां क्या ऊपर के प्लस वन प्लस वन ये इसे कट गया तो के प्लस टू आ गया यही तो आपका राइट हैंड साइड है सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन आल्सो इट मींस इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन ये स्टेट